हेलो एवरीवन वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल आज का यह ट्यूटोरियल एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट फिफ्थ है जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव टू पैस वॉइस चेंज किए जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इन टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज किए जाते हैं आइए नजर डालते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर जिसकी शुरुआत हम करते हैं डू और डज हेल्पिंग वर्ब से उसके बाद लगाया जाता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है क्योंकि यह एक क्वेश्चन सेंटेंस होगा आइए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसकी शुरुआत हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी जब भी आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय उसे चेंज करना होगा इज एम आर में उसके बाद हम लगाएंगे न्यू सब्जेक्ट ऑब्वियसली जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम इंटरचेंज करेंगे उसके बाद लगाया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद बाई उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का डुअर होगा और सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है चलिए अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स में सेंटेंसेस किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस डू दे ईट वेजिटेबल्स यानी क्या वे सब्जियां खाते हैं जी हां यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है इसे अब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में सेंटेंस कुछ इस प्रकार है। आर द वेजिटेबल्स ईटन देम यानी क्या सब्जियां उनके द्वारा खाई जाती हैं अब यहां पर पैसिव सेंटेंस को ध्यान से देखिए सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है जो कि है आर जब भी आप डू और डज एक्टिव सेंटेंसेज में देखेंगे तो आपको उसे चेंज करना होगा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में इसके बाद हमने ऐड कर दिया है न्यू सब्जेक्ट द वेजिटेबल्स जो कि प्लोरल नंबर में है और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर लगाई है उसके बाद हमने लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन उसके बाद बाई प्रशन वर्ड है और उसके बाद हमने ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट देम जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि यह एक क्वेश्चन सेंटेंस है आइए देखते हैं एक और सेंटेंस जैसे डज ही रीड बुक क्या वह किताब पढ़ता है तो यहां पर फिर से हमारे पास एक एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आइए इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा Is बुक रेड by हिम क्या किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है अब यहां पर हमने सबसे पहले चेंज किया है हेल्पिंग वर्ब को की जगह पर हमने लगा दिया है है बाद लगाया गया सब्जेक्ट जो कि है बुक अब चूंकि बुक सिंगुलर नंबर नाउन है यानी सब्जेक्ट है इसलिए हमने इज लगाया है बुक के बाद हमने ऐड किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड रेड के बाद हमने ऐड कर दिया है बाई और बाई के बाद हमने लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट हिम सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क को ऐड कर दिया है ऑब्वियसली यह एक क्वेश्चन सेंटेंस है ध्यान रहे जिस प्रकार हम इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू करते हैं ठीक उसी प्रकार जब इन्हें हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वे भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही शुरू किए जाएंगे जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल्स में देखा आशा करती हूं दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे चलिए अब देखते हैं किस प्रकार हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे आइए सबसे पहले देख लेते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी टेंस के साथ जो कि कुछ इस प्रकार है तो सबसे पहले सेंटेंस में आता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर उसके बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपिल फॉर्म भी कहते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क एड किया जाता है आइए आप देखते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एज एम आर के साथ यानी एज एम आर हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा यदि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बना रहे हैं उसके बाद हम लगाएंगे न्यू सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगाएंगे बींग क्योंकि सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस में है इसके बाद लगाया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का डुअर होता है और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस के ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स जरूर समझ में आए होंगे तो चलिए अब इन्हें अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस में और देखते हैं एग्जाम्पल्स सबसे पहला सेंटेंस है आपका आर यू गिविंग इन्विटेशन टू हिम क्या आप उसे निमंत्रण दे रहे हैं अब आप सभी को इस सेंटेंस यानी इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना है जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं इनविटेशन जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू हिम एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब जब इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको ही हम सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसके उसी स्थान पर रहने देंगे जहां पर वो है आइए देखते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस जो कि कुछ इस प्रकार है इज इन्विटेशन बींग गिवन बाय यू टू हिम यानी क्या उसे आपके द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है जी हाँ इस पैसिव सेंटेंस की शुरुआत हुई है हेल्पिंग वर्ब इज़ के साथ उसके बाद हमने ऐड किया है न्यू सब्जेक्ट इन्विटेशन जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसके बाद हमने लगाया है बिंग बिंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन ऐड की गई है उसके बाद बाई उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट यू और सबसे लास्ट में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा है जिसके प्लेस पर कोई चेंज नहीं होगा यानी वह पहले से ही उसी स्थान पर है जहाँ पर वो पहले था और सबसे लास्ट में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली यह एक क्वेश्चन सेंटेंस है आई होप फ्रेंड्स यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम टू ऑब्जेक्ट्स को पैसिव सेंटेंसेस में ऐड करते हैं चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस इज ही हेल्पिंग यू क्या वह आपकी मदद कर रहा है तो इसका जो पैसिव सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस प्रकार है आर यू बींग हेल्प्ड बाय हिम क्या तुम्हारी उसके द्वारा मदद की जा रही है अब यहाँ पर भी हमने सबसे पहले लगाया है हेल्पिंग वर्ब आर उसके बाद लगाया है न्यू सब्जेक्ट यू क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर यू है इसीलिए हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया गया है न्यू सब्जेक्ट यू यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यू एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक जैसी ही होती है इसीलिए हमने यू यहाँ पर लगाया है एज अ सब्जेक्ट उसके बाद आया हुआ है बिंग बिंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्बड उसके बाद बाई और उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट हिम लगाया गया है यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट हिम एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और सबसे लास्ट में हमने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं आइए अब सबसे लास्ट में देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें भी हम देखेंगे कि किस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे आइए देख लेते हैं सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो ये रहा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ जो कि हैज़ और हैव यानी यहाँ पर भी हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं आएगा उसके बाद लगाएंगे हम न्यू सब्जेक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि न्यू सब्जेक्ट पर आपका एक्टिव वॉइस टेंटेंस का ऑब्जेक्ट आएगा जो कि इंटरचेंज होगा उसके बाद लगा दिया जाएगा बीन क्योंकि यह परफेक्ट टेंस है उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद बाई बाई के बाद ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का डूअर होगा और सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क आइए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सबसे पहला सेंटेंस देखिए जो कि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है हैज रीटा हेल्प्ड हिज सिस्टर यानी क्या रीटा अपनी बहन की मदद कर चुकी है आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस में जैसे हैज़ हिज़ सिस्टर बीन हेल्प्ड बाय रीता यानी क्या उसकी बहन की मदद रीता के द्वारा की जा चुकी है अब इस सेंटेंस में फिर से हमने सबसे पहले लगाया है हेल्पिंग वर्ब हैज़ उसके बाद ऐड किया है न्यू सब्जेक्ट हिज सिस्टर सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया है बीन बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्ब का यूज़ किया गया है उसके बाद बाई और बाई के बाद हमने लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट रीता जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और सेंटेंस के सबसे लास्ट में ऐड कर दिया है क्वेश्चन मार्क आशा करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं अगला सेंटेंस है हैव दे पेंटेड द वॉल यानी क्या वे दीवार को पेंट कर चुके हैं अब इस सेंटेंस को बनाते हैं हम पैसिव वॉइस जो कि कुछ इस प्रकार है। हैज़ द वॉल बीन पेंटेड बाय देम क्या दीवार उनके द्वारा पेंट की जा चुकी है इस सेंटेंस की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ की गई है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई गई है और यहाँ पर जो न्यू सब्जेक्ट है वो है द वॉल उसके बाद हमने लगाया है बीन बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड का यूज़ किया गया है और उसके बाद हमने लगाया है बाई बाई के बाद हमने यहाँ पर लगाया है न्यू ऑब्जेक्ट देम जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और सबसे लास्ट में हमने ऐड कर दिया है क्वेश्चन मार्क क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस सेंटेंस है तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार हम प्रेजेंट टेंस की तीनों कैटेगरीज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनेट और परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में जो कि है पार्ट सिक्सथ देखना बिल्कुल मत भूलिएगा टिल दिन Keep smiling, keep studying, and thanks for watching the video. Bye bye.